असली तुम्हें खुदा का वास्ता मैं तुम्हें कह रही हूँ मेरी शादी करवा दो। मैं जलील होकर रह गई उन चक्करों में। अब मेरी शादी ना हुई ना तो मैंने स्विमिंग पूल में कूदकर जान दे देनी है, मैं पहले से कह रही हूँ। तुम बिट्टू पापा को खुश देखना चाहती हो या नहीं? जाहिर है फुप्पो है वो मेरी। तो फिर बस तुम्हारे हाँ की जरूरत है। मुझे माफ कर दे भी अम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कसम से सब कुछ मैंने बाबा की मोहब्बत में किया था। आप लोगों के साथ बिट्टू पापा की एक पिक्चर हो जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, आओ यहाँ बेटा, यहाँ के बैठ आओ, इधर आ शाबाश। माशाल्लाह। अरे बेटा तुम भी तो आओ, सेल्फी हो जाए ना, आजकल तो सेल्फी का ही तो जमाना है। आजो आजो। शाबाश। जरूर। एक मिनट। ये फोटो तो मेरे बगैर नामुकम्मल है। कैसी? एक काम करना, आप तो खड़े हो जाएं थोड़ा। अरे हाँ, बराबर में खड़े हो जाते हैं थोड़ा, है ना? हाँ, सही। चलिए। स्माइल तो करने, महंगी परफ्यूम लगाई मैंने। हमारे तुम भी ले लो ना सेल्फी, आ जाओ जल्दी आ जाओ। हाँ जी, बैठे ना, बैठे बैठे। कुकू कब आए तुम? दुनिया में या यहाँ पर? कैसे आप मुन्ने भैया? ठीक हूँ, ठीक हूँ। अरे छुपे रुस्तम निकले, बताया नहीं, अचानक से ही आ गए। भाई क्या कर, आना ही पड़ा। ये जी छोटा भाई है मेरा, दुबई में इसका अपना कारोबार है जाती। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे। आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस आपको पता होगा शायद मेरा बेटा भी गल्फ में ही होता है। जी जी, बताया था तन्नू आप ही ने। लगता है शर्मा गई ये बेटा। अरे मियां किसी को बता देते, कोई ना कोई पिक करने ही आ जाता है एयरपोर्ट पर। तुम्हें सरप्राइज देने की पुरानी आदत है इनकी। माशाल्लाह, अब तुम भी बड़ी हो गई हो। तनु आपी, इसका भी रिश्ता कहीं करा दें। अरे इसके रिश्ते का छोड़ो, अपना सोचो। अब आए हो ना तो दुल्हन लेकर ही जाना साथ। बस आपकी दुआएं चाहिए भी अम्मा। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। आप लोग अब नए मेहमान को टाइम दीजिए। अरे ये मेहमान थोड़ी है, ये तो अपने घर का बच्चा है। भाई अल्लाह इन रिश्तों और मोहब्बतों को बरकरार रखे। माशाल्लाह, चलिए हमें इजाजत दीजिए। अरे भाई ऐसे कैसे जाएंगे, इतनी तैयारी की खाने की, खा के जाइए। एक्सक्यूज मी, थैंक्स। आप लोग भी लीजिए ना प्लीज। ये बिट्टो ने बनाए? नहीं नहीं, बाजार का है, कुछ कुछ बनाया है। हा? अस्वी तुम्हारी कॉल आ रही है। आया भाभी। मासी मुसीबते? ये कौन है? कौन हो सकती है? मानो, तुम्हें क्यों कॉल करी है? ये पता करने के लिए तो कॉल बैक करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर द शर्ट। वेलकम। भांजी, फिर कैसे लगी मेरी एंट्री? अरे आपकी एंट्री ने तो सबको हिला के रख दिया है। कुकु तो फिर रहा है ना, हमेशा से खतरों के खिलाड़ी। वही खिलाड़ी जो साल भर पहले अनाड़ियों की तरह मैदान छोड़कर भाग गए थे। भागा नहीं था, भगाया गया था। मॉन्स्टर। खैर है भांजी, जिन्हों भूतों से रात तक कब से शुरू कर दिया तुमने? जब से जिन्हों भूतों के पड़ोस में आ बसे। वैसे आपकी ना होने वाली मिसेस के चहेते भतीजे का फोन था। अस्वी, तुम दोनों वैसे ही लड़ते हो। कुकु जरा बाहर आना, ये जो तूने सरप्राइज दिया ना, आंखों में जूतियों से मेद घुसा है। जरा बाहर निकल, मैं तेरी नासों से निकालती हूँ। आ इधर आ, बात सुन मेरी। बेस्ट ऑफ लक कुकु मामू। Thank you.
खोले प्लीज। क्या हुआ है, रूम क्यों लॉक किया आपने? बिट्टू आपा खोले दरवाजा। अरे खोले ना। अब ये क्या नई फिल्म शुरू हो गई इस घर में? अरे भाई किस बिल में छुप के बैठे तुम्हारे कुकू मामू, उनको बुलाओ, हम भी उनसे बैठ के गपशप लगाएं। अभी तो दोनों बहन भाइयों की खुफिया मीटिंग चल रही है। भाई तन्नो मुझे खुश नहीं लग रही थी भाई के आने पे, सब ठीक तो है? लेकिन मुझे तो सिर्फ इस बात की खुशी थी कि आज मेरे अब्बा मियां बहुत खुश हैं। अरे क्यों ना खुश हो भाई, खुदा खुदा करके कोई उम्मीद बंदी है कि अपनी बेटी का भी घर बस जाएगा? फिर बस इसी खुशी में आज हम शतरंज की बाजी लगाएंगे मिलकर। हाँ बिल्कुल ठीक है, लगाते हैं। मैं जरा कुकु मामू की खैरियत दरियाफ्त करके आती हूँ। बता देना हम इंतजार कर रहे हैं उनको वहाँ पे। अरे वाह भाई वाह। ओके ओके कुकु मैं तुझे बता रही हूँ, मैंने तेरा सांप पी जाना, मुझे साफ साफ बता दे किस इरादे से आया तू यहाँ पे। आप भी अपने सगे बहन और भांजी से मिलने के लिए भी कोई खास इरादा होना जरूरी है। ये जो गुम्बन के एरिया है ना, ये जाके वो जो तेरी छोटी आपी सलीका ना उसको सुनाना, मुझे बता दे किसके पैगाम पे आया यहाँ। दूसरों का तो पता नहीं, मेरा तो पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँच जाए। वास्ता कर, टांड लगानी है मैंने तुझे। कैसी बहन है, इतने सालों बाद आपका एक लौता वीर आया और तुसी अपसेट हो गए हो। अपसेट नहीं हो, तेरी जो बूथी पे लिखा हुआ है ना उसको पढ़ के ना मुझे किचीचियां चाढ़ रही हैं। हालात रखो तुसी, मैं तो बड़ा मासूम जे बंदा, देख लो भांजी कितनी जालिम है तुम्हारी माँ। खबरदार जो तू इसकी सगी बनी, पूछ इससे किसके पैगाम पे आया ये पानियां मारने। या ये पानियां शानियां मारने वाला बंदा होता ना तो 5 साल पहले छुप छुपाते ना निकला होता, क्यों भांजी? ऑफ कोर्स तुझे पता था ना इसकी एंट्री का। मानो अम्मी मैंने कौन सा दुबई में कैमरे फिट कराए हैं जो मुझे पता हो। वैसे आप क्यों डर रही हैं? ओ इनको डर है कि कहीं इनकी नंद को भगा के ना ले जाऊं दुबई। आई स्वेयर मजा ही आ जाएगा। निकालती हूँ मैं तेरे मजे हैं, निराशर्म होया का घाटा। तुसी भी लिहाज कर लो, मेरा यहाँ ना आपको इतना बुरा लग गया तो वापस चला जाता हूँ। अरे क्यों जाएंगे, अब आ ही गए हैं तो बिट्टू आपा की शादी अटेंड करके जाएं। ओ केड़ा जा रहा है, तो सारे दा खून पी के ते साह कट के जाएगा। किधर है मेरी लैला? अरे ऐसा बोले आपकी लैला की भाभी अंदर आ जाएंगी। वो आ जाएंगी अंदर, मुझे कर देंगी बाहर। फिलहाल तो आपकी लैला कमरा लॉक करके बैठ गई और बाहर आने का नाम भी नहीं ले रही। थोड़ा टाइम दो उसे संभालने का, चोट भी तो नई नई है ना। चले अब्बा भी बुला रहे हैं आपको। ये फोन क्यों नहीं उठा रही मासी, मुसीबतें किसको भेजूं वहां, पता तो चले हो क्या रहा है। अरे भाई ये कुकु कहां से अचानक आ गया? वो बिजनेस के सिलसिले में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ए अच्छा भला बिट्टो के साथ उसका रिश्ता हो रहा था, लेकिन नहीं उस तन्नो ने बीच में मुसीबत डालनी ही थी और मना कर दिया। अम्मा भूल जाए ना इन बातों को, वो भले मानुस है बल्कि लड़के का बाप तो मुझे बहुत शरीफ इंसान लगा। हाँ इसीलिए तो तसल्ली दे रही हूँ अपने आप को। ना क्या हुआ है तुझे, इशारे क्यों कर रहा था मुझे? ये कुकु मामू का भाई पाकिस्तान कह रहे हैं कि आज ही पहुँचा है। फिर तो बड़ी पहुंची हुई शख्सियत निकले। हाँ एन उसी दिन आए जिस दिन बिट्टू आपा की बात पक्की हो रही थी। अब क्या फायदा? हाँ क्या फायदा तो है लेकिन अब तुम कहाँ मर गई थी? तुम्हारी तरह हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठी हुई ना? अरे मुझे कुछ बताओगी तो मैं भी हाथ पांव हिलाऊंगा ना। जल्दी से ऊपर आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। कच्चे धागे से चले आएंगे सरकार बंदे। हेलो अपनी शायरी बंद करो और ऊपर आओ। अब हाँ आ रहा हूँ। माँ जी आई नो इट, ये कुगु कोड़ा जरूर किसी रिश्ते के चक्कर में आया है। 5 साल में 20 लड़कियां दिखा चुकी है वो, एक भी नाक के नीचे नहीं आई। जो बेचारी आई थी नाक थल्ले उसको तो तन्नो ने अपने सर से वार कर सूट दिता। तो उसके भाई का कौन सा रिश्ता हो गया, अभी तक खाली हाथ ही घूम रहा है इस तरह। जहाँ उसको घू कोड़े में जरा सी अकल होती ना काप का घर बसा लिया होता। ऊपर से खाला खालू भी रेस्ट इन पीस हो गए और वो बेचारा अपनी चंडाल बहन के हत्थे चढ़ गया। पता नहीं किस बात का बदला ले रही है तन्नो उससे। बियम्मा आप मिली थी ना कुकु मामू से? नहीं जी क्यों नहीं हैं, माँ जी ने कौन सी उसकी मत चुराई है कि वो ना मिले, उसकी जरूरत? मिलता तो इतनी मोहब्बत से है कि एक बार तो ठंड डाल देता कलेजे में, बहुत प्यार करने वाला बच्चा है। चच्ची अगर आपको एतराज ना हो तो कुकु मामू को खाने पे बुला लूँ कल। बेटा जी मसला मेरे एतराज का नहीं है, तुम्हारी माँ के परमिशन लेटर का है। हाँ किस तरह का सवाल किया है, मुझे क्या एतराज होना है?
सगी खाला का लड़का है। रहने दो भाई, खामखा मुंह फैलाकर बैठ जाएगी तन्नो। क्यों भी अम्मा, मैं तो बुलवाऊंगी क्यों मामू को, मेरा तो इतना ख्याल करते हैं वो। याद नहीं है आपको पिछली ईद पे 50,000 रुपए भेजे थे बच्चों को शॉपिंग के लिए। अच्छा भाई देख लो, जो करना चाहो करो। असफी सच सच बताओ, ये कुकु मामू को चाबी तुम दे रहे हो ना? इतनी बड़ी तोहमत, कसम से भाभी मुझे तो कुछ नहीं पता था, ये छक्के पे छक्का ना आपकी बहन मारी है। मेरी बहन तो है वो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हें बहुत बुरा फंसवाएगी एक दिन वो। अच्छा कान तो छोड़ दे मेरा, टूट गया तो कोई लड़की लिफ्ट नहीं कराएगी। बेफिक्र रहो, इन हाथी जैसे कानों के साथ ना वैसे भी कोई लड़की लिफ्ट नहीं कराएगी। अच्छा भले तो कान है मेरे, क्या भाभी दुखती रख पे हाथ रख दिया आपने, मैं जा रहा हूँ छत पे केबल की तार ठीक करने। अपना कनेक्शन ठीक जगह पे फिट करना वरना मसला हो जाएगा। टाइम देखा है? हाँ, तुम्हारे मुंह पे लिखा है। एक्सक्यूज मी, प्रॉमिस किया था हम दोनों ने, कैसी बकवासबाजी अपनी चली। अबे यार बंदा लाइट मूड में भी बात नहीं कर सकता। अरे घर में इतनी टेंशन चल रही है, तुम्हें लाइट मूड की पड़ी हुई है, कम टू द पॉइंट। अच्छा ये बताओ कुकु मामू की एंट्री कैसे हुई? सब मेरा कमाल है। यानी मामू को मामू बनाने में कामयाब हो ही गई तुम? हाँ हाँ बस वहाँ तो मैं कामयाब हो गई हूँ, लेकिन ये बताओ कि बिट्टू पापा की एंगेजमेंट का क्या करना है? सब कुछ हम ही ने करना है, तो कुकु मामू क्या छनकना बजाने आए हैं? बिट्टू पापा कतन मूड में नहीं है उनको लिफ्ट कराने की। छोड़ो सब लड़कियाँ ना एक ही जैसी होती हैं, ऊपर ऊपर से नखरे दिखाती हैं। नहीं मैं तुम्हारी बात थोड़ी कर रहा हूँ, एक तो तुम हर बात ना पर्सनली ले जाती हो। मैं ऐसी हूँ भी नहीं, याद रख सबसे बेहतर कौन जानता होगा। अच्छा सुनो, उनका बिट्टू पापा का मंगेतर भी तो आ रहा है नेक्स्ट मंथ। यानी जो कुछ करना है एक हफ्ते के अंदर अंदर ही करना होगा। एग्जैक्टली, शुक्र है तुम्हारा भी दिमाग चलने लगा। अरे बहुत चलता है दिमाग मेरा, सामने भी तो कोई अकलमंद हो। अच्छा छोड़ो यार, तुम भूल नहीं सकती कि हम दोनों कजन्स हैं और हमारे पेरेंट्स एक दूसरे की शक्लें नहीं देखना चाहते। उससे क्या होगा? कम से कम मुझे ये फीलिंग तो नहीं आएगी ना कि मैं कुछ बोलूंगा और मुझ पर हमला हो जाएगा। कम ऑन यार, हम लोग क्लास फेलोज भी तो हैं। मानो कहाँ है तू, नीचे आ। जी अम्मी आ रही हूँ। इतनी दूर से ही देखना था तो पहले बता देते। क्या? मैं आपको उनकी अच्छी अच्छी पिक्चर्स भेज देती। बहुत खफा है मुझसे। तो मना ले। कैसे? माफी मांगकर। और अगर माफी नहीं दी तो? तो क्या वापस चले जाएंगे? बी ब्रेव। वापस जाने के लिए नहीं आया मैं। तो जाएं, अपनी लैला को जाकर मनाएं जो इतनी उदास लग रही है। इसका मतलब है सर पर कफन बांध कर जाना ही पड़ेगा। आप अभी भी सोच रहे हैं? चल फिर कुकू, इस इश्क की बाजी में ताने माने धाने लगा कर दुनिया वालों को दिखाई दे। हैं? ये जाए जाए जाए। इस अंदाज से देखोगे तो मैं तो मर ही जाऊंगा। और मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम किसी और की गलती की सजा देके मुझे यहाँ से चले गए थे। मेरी बात तो सुनती है। बात तुम अपनी तन्नो आपी की सुनो अब, जो कि नजरों ही नजरों में मुझे खा जाने लगी। ये तो तन्नो आपके गलत टाइम पर एंट्री मारती है। ऐसे क्यों घूर रही हैं आप मुझे? तू बता दे मानो, अपने ये जो तेरा मामा है ना, इसको मैंने इसके गोटे गिट्टे सेक देना है और घुमा के मैंने ना इसको ऐसा दुबई फेंकना है बुर्ज खलीफा की 140वीं मंजिल पे जाके गिरेगा ये। इस गुंडागर्दी की वजह ना, ये जो अचानक टपका है ना तेरा मामा, मुझे पता है इसके पीछे वो बिट्टो मीसनी का हाथ है। अम्मी किसी पर इस तरह से इल्जाम मत लगाया करें।
इल्जाम नहीं लगा रही मानो है, अन्नी नहीं अपनी आंखों से देखा था मैंने लॉन में कैसे जुड़ के खड़ी थी कुकू के साथ। शुरू कर दिया इसने अपनी पोली पोली टोलकी बजाना। कुकू मामू खुद गए थे वहाँ। तेरा जो मामा है ना उसके दिमाग पे जो ये भूत सवार है ना इश्क मोहब्बत का, उसकी नासों से निकालना, मैंने देखना ये सारे प्यार मोहब्बत की बातें। बड़ा है नंबर वन रांझा। अब आप क्या चाहती हैं? ना मैंने क्या चाहना है, नजर रखें दोनों के ऊपर और जहाँ पे मुझे इकट्ठे नजर आए फौरन आके मुझे इतला दे। अच्छा तो फिर मैं स्टडीज ना करूँ लेकिन ये CCTV कैमरा लगा कर बैठ जाऊँ दोनों के ऊपर। सॉरी अम्मी मुझसे ये नहीं होगा। मेरी बेकार औलाद। आप टेंशन मत लें भाभी, मैं मुन्ने भैया की तरफ चली जाती हूँ। हाँ बेटो तू चली जा मुंह चुक के वहाँ पे हैं, ताकि बड़े भाई और भाभी पर इल्जाम लग जाए कि जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते थे ना तेरी शादी की, इसलिए तुझे वापस तोड़ दिया है वहाँ पे। ये खेल भी ना हमारे चिट्टे जाटों में डलवा दे तू। फिर आप ही बता दे भाभी आप क्या चाहती है। बिट्टो जो मैं चाहती हूँ ना वो तुझे अच्छी तरह पता है, पर तू समझना नहीं चाहती। मर्दों का क्या है, उनका तो दो दिन का हासा होता है, मैंने तो सारी जिंदगी औरतों को सहने पड़ते है ना। मेरा बस चले ना तो मैं ऐसे बुजुर्ग मर्दों की मोहब्बत पर बैन लगा दूं। खुदा की कसम मैं होता ना कुकू मामू की जगह तो क्या तीर मार लेते। तीर नहीं मारता बेटा, सीधा कोर्ट लेके जाता अपनी मोहब्बत को, बाकी दुनिया जाए बाहर में, प्यार किया तो डरना क्या। वाह स्वाद आ गया सोने। ये असली जिंदगी है, कोई फिल्म नहीं चल रही। हमारी जिंदगी की स्क्रिप्ट हो या फिल्म की, कोई और क्यों लिखे अपने कलम से। एग्जैक्टली मेरा भी यही पॉइंट है। मैं होती ना बिट्टू आपा की जगह तो कौन सी तोप चला लेती तुम। डर जाती सारी दुनिया के सामने और कहती कि शादी करूंगी तो यही करूंगी, किसी में जुरत है तो साइन करवा ले निकाह नामे पे। मसला ये है मानुषा कि तुम्हारा निकाह नहीं हो रहा, बिट्टू आपा का हो रहा है, तो जो भी स्टैंड लेना होगा ना उनको खुद लेना होगा। अरे वो कैसे स्टैंड लेंगी, अम्मी ने सारे घर में CCTV कैमरे लगाए हुए हैं, मजाल है जो दोनों को खड़ा भी होने दें। जो भी हो उन दोनों को एक बार ना खुल के बात करनी होगी, ताकि आर या पार हो ये सारा मामला। हमारे घर में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो बात कर सके। हमारे घर भी ना मेला ही लगा रहता है 24 घंटे, उन दोनों को किसी पुरसकून जगह पे मिलना होगा। मैं उनको यहाँ ले आऊँ यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी क्यों, थाने या कब्रिस्तान ले चलते हैं। आई स्वेयर बहुत ही कोई अनरोमांटिक लड़की हो तुम, जो भी तुमसे मोहब्बत करेगा ना सर पकड़ के रोएगा, ये कोई पुरसकून जगह है भला। तो ले जाओ तुम उनको ताजमहल वीजा लगवा कर। ताजमहल तो मैं अपनी वाली को लेके जाऊंगा, इन दोनों के लिए ना वही पार्क ठीक है जहाँ वो बुजुर्ग रोमियो एंड जूलियट मिलते हैं। बीमा और अब्बा मियां वाला पार्क? हाँ वही वाला। तो ठीक है मैं बिट्टू आपा को ले आऊंगी, तुम कुकू मामू को ले आना। ओके डन। चल भाई बहुत पढ़ लिया। कर रहे हैं यहाँ पे खड़ा हुआ, चल तेरा पराठा मैंने वहाँ टेबल पे रखा, निकल। मैं तो ये खाऊंगा गर्मा गर्म। रहन दे तू, मैं गर्मा गर्म पराठे खाऊंगा, गर्मा गर्म के चक्कर में ना अपना मुंह ना साड़ लेना। जब दिल ही सड़ गया तू पीछे बचा क्या। और तू सुन बिट्टू, तेरी सास की ना कॉल आई थी, तुझे शॉपिंग पे लेके जाना चाहती है। जाना जरूरी है क्या? हाँ तुझे तेरी पसंद की चीजें दिलाएगी, और क्या चाहिए तुझको। मुझे क्या मसला है, चली जाऊंगी। और तू भी जरा तैयार रहना, जकिया खाला ने बड़ी अच्छी लड़की बताई है, हमने देखने के लिए जानी है। आपी, मैंने जिसको देखना था ना देख लिया, अब मुझे किसी और कुड़ी छुड़ी में इंटरेस्ट नहीं है। तेरे ये जो पापा के डेले ना छुरी मार के बाहर निकाल देने। ऐसे करे आंखों में पट्टी बांध दे मेरे। अरे भाई कुकू मियां कहां गायब हो, कल से लिफ्ट नहीं करा रहे तुम। ऐसे कोई बात नहीं अब्बा मियां, आप हुक्म तो करें। हुक्म क्या करना, वो नेदा तुम्हें याद कर रही थी, वक्त निकाल के मुन्ने मियां के यहाँ मिलाओ उसे जाके। माशाल्लाह निदा के भी है, माँ का तो उसे कभी ख्याल नहीं है और मामू के लिए मोहब्बतें डुल रही है उसकी। छोड़े अब्बा मियां मुझे क्या जरूरत है, मैं और आप चलते हैं ना शाम में वॉक के लिए। अच्छा भी कह रहा था। हाँ वॉक के लिए पार्क। हाँ भाई वॉक करेंगे। अच्छा मैं वॉक पे याद आया यार, मैंने वो तुमसे पूछा ये था जो वॉक। चले ना मजा आएगा। भाई मैं क्या करूंगी पब्लिक की सालगिरह में जाके, जो मैं करूंगी। तुम्हारी तो दोस्त है भाई, तो आपकी कौन सी दुश्मन है। चले ना कपड़े सेलेक्ट कर।
मजा आएगा प्रॉमिस। अरे कुकू मामू कहाँ जा रहे हैं? मेरे साथ चले, एक दोस्त से मिलवाना है। ओ यार मैं तो बीएम वर्सली का आपा से मिलने और तुम दोस्त से मिलवाने जा रहे हो। हाय मैं सबके जाऊं, मेरा निक्का वीर कुकू आजा आजा। नहीं 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 कुकू मामू मेरे साथ चलें, ये फैमिली रियूनियन ना बाद में कर लीजिएगा, हाँ अभी दोस्त से मिलवाना है, चलें। असमो तूने अपना ना बकरा खिलाड़ा क्यों डालना होता है, हैं इतने सालों बाद अपने चन को देख रही हूँ। तो एक दिन और रुक जाएं, क्या हो जाएगा? हाँ वो बर्थडे पार्टी है ना गौहर की बेस्ट फ्रेंड है। उस बतख के मुंह वाले की हैप्पी बर्थडे पे कुकू को जाना क्यों जरूरी है? भाई कोई चार बातें करेंगे हार्ट टू हार्ट है कुकू। अम्मी मैं गौहर को जबान दे चुका हूँ कि उसे अपने हैंडसम और डैशिंग मामू से जरूर मिलवाऊंगा। यार कितनी लंबी लंबी छोड़ता हूँ मैं। मामू ही आपको मामू बना रहे। निदा भाभी आप भी यार पार्टी बदल लेती हैं। चले जाएं मामू बेचारे के साथ। चले चले चले। मामा आपका मोबाइल। हाँ इधर आओ बेटा, नाना को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम नाना। वालेकुम सलाम पुत्र, और मैं तुम्हारा मामू ही हूँ है। निदा ऐसे ठंडे इंतकाम तो ना लो ना मुझसे। कसमे बिल्कुल सेम टू सेम बिट्टो यही कहती रहती है, बच्चों का जान अजाब में डाल देती है कि हाँ मुझे आपा को। अरे कुकू मामू क्यों पड़ गए खवातीन की बातों में, हाँ चले चले प्लीज। हाँ आपा मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ असफो देखो ना जरा है, मजाल है बेचारे कुकू को सुखा सांस भी लेना हो। हाय निदा वो आलू उबल गए हैं, पराठे बनाने आलू के मेरे। अनारदाना कम डालना, पिछली दफा ज्यादा हुआ था ना मुनीर, तो मेरे पीछे मुनीर जी पड़ गए थे। यहाँ पर है क्या बबली का बर्थडे? क्यों यहाँ नहीं हो सकता क्या? यहाँ पर तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। अरे विजन क्लियर करें, अभी सब कुछ नजर आएगा आपको। क्या कहती फिर रही हो तुम? मानो जो कुछ करना है वो आपको ही करना है बेटो आपा, सारी जिंदगी का जो सवाल है। यार किडनैप करने का प्रोग्राम तो नहीं तुम्हारा? और सुनसान बेयाबान पार्क में कौन करता है बर्थडे पार्टी? अरे आप चलें तो सही, इस बायवान में बाहर ना आई ना तो मेरा नाम बदल देना। बाहर का ताल्लुक बाहर के मौसमों से थोड़ा होता है यार। इस फिलॉसफी का इस्तेमाल सही जगह पे करेंगे ना तो बहुत फायदा होगा, बता रहा हूँ। दिस इज नॉट फेयर मानो, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। क्यों कुकू मामू? अच्छा तो ये वॉर करवाने के इरादे से लेकर आए हो तुम लोग हैं झूठ बोलकर? हाँ हमने कहा मोहब्बत तो रही नहीं है बीच में, तो जंग के लिए कम से कम खुला मैदान तो दें आप दोनों को। मुझे कोई बात नहीं करनी इनसे। लेकिन मुझे बात करनी है इनसे। तुम लोग खिसको यहाँ से। ये ले बाइक की चाबी, अब इनको ड्रॉप भी आप ही करेंगे। बेफिक्र हो जाओ, इस दफा ड्रॉप नहीं करूंगा। हम यहाँ करीब में ही बैठ रहे हैं, हाँ आपकी निगरानी करने, कहीं चापा ना पड़ जाए। थैंक्स यार। हम थोड़ा दूर बैठ जाते हैं। ओवन फ्रिज वगैरह। अब्बा जी इलेक्ट्रॉनिक्स की तो सारी ही चीजें लिख ली हैं मैंने, अगर कोई आपके जहन में तो बता दीजिए। नहीं यार देखो अच्छी तरह देख लो, कुछ रह ना जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए। नहीं अब्बा जी क्यों फिक्र कर रहे हैं? अरे यार बहुत टाइम जाया हो गया मेरी बच्ची का, देखो अब कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए हमारी तरफ से। इंशाल्लाह अब्बा जी कभी भी नहीं होगी। एसी लिख दूं लिस्ट में? हाँ लिखो लिखो लिखो। तो टॉपिंग की तो कोई बात नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है। चलो सही है, जब हुनकारा मारेंगी मैं भेज दूंगी बिट्टो को। नहीं नहीं टेंशन की कोई बात नहीं है, सही है ठीक है, खुदा हाफिज। क्यों भाई क्या हुआ? जीप चवल औरत है, कल शॉपिंग का बोला था बिट्टो की, आज मना कर दिए। क्यों मना कर दी? मुझे क्या पता कोई कीड़ा काटा होगा ना। अरे कोई मसला हो गया होगा भाई? अब्बा जी मसला तो मुझे उसके लहजे से लग रहा है, खुदा खैर ही करे कोई नवा पुआड़ा ना पै जाए। कुछ खाया उन्होंने? नहीं है, भी कमलियों की तरह एक ही बात की जा रही थी बार बार, न सर न पैर। अरे भी तुम्हें तो खाम खा वहम करने की आदत है, मानो से बोलो कि मुझे और अब्बा को ना कहवा पिला दे। मानो नहीं है घर पे, वो बिट्टो को लेके गई है अपनी सहेली की सालगिरह में। बिट्टो कैसे चली गई भाई? कहाँ जा रही थी अब्बा जी, मानो लेके गई है जबरदस्ती। कुकू नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ है? एक मिनट यार वो ना आ रहा। ओ मैं जरा लगता है कुकू मामू के डायलॉग्स का जादू नहीं चल रहा। जब डायलॉग्स ना चले ना लड़की के सामने
तो शराफत से दोनों हाथ जोड़ देने चाहिए। ये ले हाथ जोड़ दी, अब भी माफ नहीं करोगी तुम? माफ कर देने से क्या मेरी जिंदगी के वो कीमती साल वापस आ जाएंगे कबीर? हमारी जिंदगियों के अगले कई साल सुकून से तो गुजरेंगे, ये भी तो कभी सोच लो बतू। मैं इस ख्याली पलाव में मजीद दम नहीं भर सकती। आखिर क्या चल रहा है इनके जहन में? जहन से तो निकाल दोगी तुम मुझे, दिल से कैसे निकालोगी? दिल में कौन झांक कर देखता है? मैं देखूं झांक कर? आखिर चल क्या रहा है वहां? जो चल रहा है चलने दो, फिलहाल हमें तो यहाँ से चलना चाहिए। बेहतर होगा तुम भी अब मुझे अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। नहीं निकाल सका, तभी तो वापस आया हूँ। ऐसी वापसी का क्या फायदा जब सब डर ही बंद हो गए हो? अच्छा जी, मेरे बगैर रह लोगी तुम? मैं तुम्हारी मोहब्बत के बगैर तो रह सकती हूँ कबीर, लेकिन तुम्हारी बहन की नफरत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। तुमने जिंदगी मेरे साथ गुजारनी, मेरी बहन के साथ नहीं? जब 5 साल पहले मैंने समझाई थी तब तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन की फीलिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। सारी जिंदगी इसी बात की सजा देती रहोगी तुम मुझे? सजा ही दे सकती हूँ, जिंदगी तो वैसे भी किसी और के नाम हो चुकी है। मेरे ख्याल से घर वापस चले हूँ। ये आपने तो परेशान कर दिया मुझे। अरे परेशानी की बात तो है ना, शॉपिंग का क्या के मना कर दिया फिर? पर क्या पता वाकई कोई मसला हो गया हो वहाँ। अरे बाल धूप में सफेद नहीं किए तबस्सुम जहाँ, दिल परेशान सा हो रहा है कुछ। मैं तो आज ही सदका देती हूँ बिट्टो का। पता नहीं क्या लिखा है कातिबे तकदीर ने मेरी बेटी की किस्मत में। अल्लाह रहम करेगा, सुकून से बैठ के बात करेंगे। ये मानो रस्फी कहाँ चले गए? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाइक पर छोड़ देता हूँ। मैं सिर्फ घर तक छोड़ने की बात कर रहा हूँ बतू। यहाँ पास में ही तो है घर, मैं खुद ही चली जाऊंगी। उम्र भर का साथ देने से तो साफ इनकार कर दिया तुमने, ये चंद पल ही दे दो। तुम भी पार्क में आ जाओ ना, वहीं हूँ मैं भी। अच्छा एक मिनट रुको। क्या हुआ? एक मिनट रुको। खैरियत है ना? हुआ क्या है आखिर? अरे बताता हूँ, सब्र करो। ठीक है, मैं जाकर करती हूँ उससे बात। ठीक है। अम्मा खुदा की कसम मुझे ये लेकर गई थी वहां। तुम्हारी माँ ने सारी जिंदगी घास नहीं खाई है, बोलो ना मानो। भी अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं ही इनको लेकर गई थी। अच्छा तुम जाओ मानो बाहर, मैं अलहदगी में बात करती हूँ इससे। अरे भी अम्मा बात करें मैं कान बंद कर लेती हूँ। मानो क्या कहा है मैंने, जाओ यहाँ से। अच्छा भी अम्मा जा रही हूँ। दरवाजे के पीछे नहीं, दरवाजे से बाहर। जा रही हूँ भी अम्मा। दरवाजा बंद करो। मानो मुझे एक बात बता, ये बी अम्मा कमरा बंद करके कौन सी ढोलकी बजा रही है? वो सलीका चाची से कोई झगड़ा हो गया शायद उनका। आए मुन्ना आएगा ना मजा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, जाके जरा सुन। नहीं अच्छा थोड़ी लगता है दूसरों के मामलों में इस तरह से बोलना। अल्लाह ने भी वैसे ना लामा ही दिया ऐसी कुछ जज्जी औलाद पैदा करके। तो इस उम्र में अब तुम हमारे सर में खाक डालोगी? अम्मा खुदा की कसम, मानो लेकर गई थी मुझे वहां पर, और कुकू की बाइक पर भी
जबरदस्ती यूं उठा के बिठा दिया था, है ना? अम्मा वो तो असफी की बाइक थी, वो ही लेकर आया था कुकू को वहाँ। मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता था अम्मा। क्या पट्टियां पढ़ाने के लिए बुलाया था? कह रहा था कि रिश्ते से इनकार कर दो। क्या दिमाग खराब हो गया क्या उसका? अम्मा उसका खराब हुआ होगा पर मेरा नहीं हुआ, इसलिए मैंने फौरन इनकार कर दिया। अम्मा आप टेंशन ना लें, मैं आपकी इज्जत कभी दांव पर नहीं लगाऊंगी। ये मनहूस खबर सुनाने के लिए बुलवाया था यहाँ? तुम्हारे बेहुदा मशवरा था बार्क में बुलाने का। वाह, और जो तुमने इंतहाई अकलमंदाना डिसीजन लिया था दोनों को छोड़ के पार्क से निकलने का, मैंने मना भी किया था। मुझे क्या पता था कि अब्बा मियाँ देख लेंगे और बी अम्मा को बता देंगे। लेकिन मुझे पता था, जब भी तुम जिद करके अपनी बात मनवाती हो ना, हमेशा नुकसान ही उठाती हो। अपनी जबान को जरा कंट्रोल में रखो और अब बताओ करना क्या है। करेंगे तो बेटा खुल के जलील हम दोनों को, बी अम्मा और अब्बा मियाँ। बी अम्मा का तो बस नहीं चल रहा था कि मुझे गोली मार दे। मैं तो सोच रहा हूँ दो चार दिन के लिए ना अंडरग्राउंड हो जाऊँ। कल तो बड़े दावे कर रहे थे कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वो मैं अपने बारे में कह रहा था, पर आई आग में कूदकर खुद को जलाना कोई दानिशमंदी का काम नहीं है। कितने सेल्फिश हो तुम। सेल्फिश नहीं बेटा, सेंसिबल। जिनके लिए हम दोनों जंग लड़ रहे हैं वो खुद हथियार डाल के बैठ गई हैं। वैसे बिट्टू आपस से मुझे उम्मीद नहीं थी। भाभी की कॉल आ रही है, मैं जा रहा हूँ। एक तो तुम्हारी भाभी को भी खाना हजम नहीं होता तुमसे बात के बगैर। तुम्हें एक ही ताना मारना आता है ना, टच्ची हूँ मैं उनको लेके। ये टच्ची वच्ची बाद में हो ना, अभी तो भी अम्मा भी घर पहुँचने वाली होंगी बारूद बनकर। जी भाभी आ रहा हूँ मैं। क्या अल्लाह मदद। तुम मानों के साथ मिलके क्या हरकतें करते फिर रहे हो? क्या किया मैंने? तुम कुकु मामू को लेके नहीं गए थे पार्क में? जी। बताओ इसे कि शर्म और हया भी किसी चीज का नाम है। अब ये काम करवाएगा इस उम्र में अपनी फूफी से? क्या कह दिया कुकु मामू ने? कह रहा है कि इनकार कर दो इस रिश्ते से। हाँ तो वो मना लेता ही अम्मी को, हम करवा देंगे इनकार। बताती हूँ मैं मुन्ने को उसके मुन्ने की हरकतें। कुछ खुदा का खौफ करें भी अम्मा, सब जानते हैं कुकु मामू और बिट्टू पापा के दिल का हाल। और सब ये भी जानते हैं कि कितना बुक्स पाल रखा है तन्नो ने मेरी बच्ची के खिलाफ। अगर उसे अपने भाई की खुशी का इतना ही एहतराम होता तो क्या जुबान टूटती थी रिश्ता मांगते हुए? ठीक कह रही हैं भी अम्मा। जाओ, अब सर पर क्यों खड़े हो? जो चांद चढ़ाना था वो तो तुमने चढ़ा लिया। पता नहीं क्यों आप दोनों प्यार की दुश्मन बनी गई हैं। भी अम्मा गुस्सा थूक देना और मुन्ने चचा को कुछ ना बताइएगा, जानती तो है तूफान खड़ा कर देंगे पूरे घर में। मैं पागल थोड़ा हूँ जो बताऊंगी, और तुम भी ना इसे जरा खींच के रखो, हर वक्त बच्चा बना रहता है। जी। और सलीका को भी मत बताना वरना मिलके फिर ये हम भी शुरू हो जाएगी। आप बेफिक्र रहें, मैं नहीं बताऊंगा। बेफिक्र रहो, नहीं लगाएंगी वो शिकायत चाचा से। I'm sorry भाभी। तुमने भी तो कितनी गलत हरकत की नासफी। अरे आप ही ने तो कहा था कि मानो ही मना सकती है ताई अम्मी को। हाँ तो उस वक्त तक तो बिट्टू आपा का रिश्ता तय नहीं हुआ था ना। हमने सोचा एक आखिरी ट्राई मार के देख लें। ये तुम और वो हम कब से हो गए? जब से कुकु मामू और बिट्टू आपा का चक्कर शुरू है। ध्यान से, बिट्टू आपा के चक्कर में खुद का चक्कर ना शुरू कर लेना। आपको ऐसा लगता हूँ मैं? तुम ऐसे नहीं लगते, लेकिन वो मेरी बहन है और मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मुसीबत पड़ने पर वो गधे को भी बाप बना लेती है। अब बेफिक्र है, इतना भी डफर नहीं हूँ मैं। इतने भी अकलमंद नहीं हो जितना खुद को समझते हो। चच्ची को कहती हूँ तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ले। क्यों, बीवी ने आके मुझे होशियारी सिखानी है? शादी तो 100% आपकी मर्जी से करूंगा मैं। सोच लो, बहुत बड़ी बात कर रहे हो। आपसे दोस्ती और मोहब्बत का रिश्ता है मेरा, सोच के इस रिश्ते की इंसल्ट क्यों करूं मैं? और बीच में कोई मोहब्बत मोहब्बत का सीन ऑन हो गया तो? अरे अपनी भाभी पे 100 मोहब्बतें कुर्बान, आप हुक्म तो कीजिएगा। सही है, शुरू हो गई देवर भाभी की शूटिंग। और एक्स्ट्रास भी टपक पड़े। भाभी ऐसे आपको जलने की बूनी आ रही? ओ गॉड, चने रखे थे किचन में, जल गए होंगे। वेरी सैड, जाया हो गई तुम्हारी ठंडी कॉमेडी। आपके सामने ना किसी का चिराग भी जल नहीं सकता माई बाप। चलो बिट्टू आपा, जो खाक तुमने मेरे सर में डलवानी थी ना वो डलवा दी, अब बात मत करो मुझसे।
पराठा दो पराठा। अरे कहाँ रह गई तुम्हारी अम्मा? वो आई थिंक बिट्टू आपा की सास का फोन आया है। इतनी सुबह सुबह? ये बिट्टू कहाँ है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है? मेरे मतलब मैं सीरियस दर्द हो तो पेन किलर दे दूं? मैं आराम से नाश्ता करो, हम दे देंगे पेन। अरे भी जाओ जाके देखो अपनी माँ को, कोई नई पंचायत ना खोले। अरे बैठ ही रहो तुम, नाश्ता ठंडा हो रहा है, खा लो, आ जाएगी वो। ना बहन, क्या हो गया है? आप रिश्ता लेकर आई थी, कोई कपड़े की दुकान पे नहीं आई थी कि एक प्रिंट पसंद नहीं आया तो दूसरा ले लेते हैं? और आपका मुंडा शिदाई तो नहीं हो गया जो ऐसी चवले मार रहे हैं? ऐसी चवले तो पागल मारते। दोबारा मेरी बेटी का नाम नहीं आना तो मैंने आपके घर आके आपकी जुबान काट के आपके हाथ में पकड़ा देनी है। रखे फोन भाई। बड्डी शुक्र है मैं नरम दिल मारा तो, वरना मैंने दिमाग ठीक कर देना था इनका। क्या हो गया तन्नो? ना वो देखे ना, ऐसे चवल लोग हैं, वो बात पक्के होने की तस्वीरें लड़के को दुबई भिजवाई हैं। तो ये अब्बा मियाँ के वो चवल का बच्चा कहता है कि मैंने बिट्टो से नहीं मानो से ब्याह करना है। क्या